कांग्रेस, राजद और इंडिया अलायंस के किसी भी दल को देश के बहुसंख्यक समाज, देश के ज़्यादातर लोगों की भावनाओं का ख्याल नहीं, ये उनके उनका सम्मान नहीं कर सकते, इस सनातन का सम्मान नहीं कर सकते। लालू यादव जी सावन के समय में राहुल गांधी के साथ बैठकर मटन बनाकर सनातन समाज का, हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, तो वहीं उनके कुपुत्र, लालू यादव के कुपुत्र तेजस्वी यादव जी हेलीकॉप्टर में बैठकर मछली खाते हैं महालया के दिन। नवरात्र शुरू होने से एक दिन पहले महालया के दिन होता है, उस दिन वो मछली खाकर सनातन का, हिंदू समाज का अपमान करते हैं। ये तुष्टिकरण की राजनीति से इनको बाज आना चाहिए। इस देश की राजनीति का परसेप्शन बदल चुका है। माननीय मोदी जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि मुगलिया मानसिकता से ग्रसित हैं, और इनको ये समझना चाहिए कि माननीय मोदी जी ने अब इस देश में पॉलिटिक्स और परफॉर्मेंस को स्थापित किया है। ये नौटंकी वाली राजनीति नहीं चलेगी। आप इस तरह की फूहर वीडियो को जारी करते हैं तेजस्वी यादव जी, आपके पिताजी भी जफरे के लिए मशहूर थे और आप भी अब यही काम करने लगे, इससे आप चुनाव नहीं जीत सकते। चुनाव जीतने के लिए आपके पास कोई मुद्दा नहीं, आप लोग मुद्दा विहीन दल हैं। अपने अपने परंपरा के अनुसार खाने पीने की स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन प्रधानमंत्री जी जिस स्तर से जिस भाषा का इस्तेमाल खाने पीने पर करते हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। प्रधानमंत्री जी, आप भारत के 140 करोड़ लोगों को अपने परिवार का सदस्य बताते हैं, लेकिन परिवार के सदस्यों के प्रति विभेद और भेदभाव जो आपके बोली से झलकता है वह स्पष्ट रूप से दिखता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से भरम और धर्म की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, जिस तरह से मुद्दों के भटकाव की दिशा में सिर्फ और सिर्फ वैसी बातें करते हैं जो इनके राजनीतिक एजेंडा में सेट होता है, जो इनके राजनीतिक हित के लिए उपयुक्त होता है, और ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए किस किस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि चुनाव आयोग भी इस मामले पर संज्ञान ले, क्योंकि प्रधानमंत्री जी लगातार धर्म की बातें करते हैं या वैसी बातें करते हैं जिससे किसी दूसरे धर्म के लोगों को उनकी भावना आत हो, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले वक्तव्य प्रधानमंत्री जी के मुंह से कहीं से भी उपयुक्त नहीं है। इस तरह की राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री जी, आप अपने मंत्री गिरिराज सिंह के कृत्य को भी तो देख लिए होते। उन्होंने अपनी राजनीतिक हित के लिए, अपने राजनीति को बढ़ावा देने के लिए झटका मीट दुकान का उद्घाटन किया था। ये कौन सी परंपरा, ये कौन सी सोच है, इसको भी तो स्पष्ट कर दीजिए, इसको भी तो बता। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।